बोल दे बोल दे। नहीं बोलेंगे नहीं यार, पता नहीं लग रहा है। बोल दे क्या हो गया? कुछ नहीं। हम्मी तेरे को रो क्यों रही है? तेरे को बुरा लग रहा है कि मतलब क्या कर दिया मैंने ये है? छोड़ दिया सब कुछ। बुरा नहीं लग रहा, इतना ऊपर तक पहुंच गया तू छोड़ रहा है। माँ मैं तेरे को यही तो समझा रहा हूँ, कुछ टाइम का वेट कर ले। ये यूट्यूब माँ ये ब्लॉगिंग खड़ा मैंने किया है ना, तो जो मैं करने की चाह रहा हूँ स्टैंड अप कुछ भी हो वो मेरे को खड़ा करना है, मेन फ्रंट वो करना है। ब्लॉगिंग तो चलती रहती है, मैं इसलिए मैं सोचा कि तेरे मम्मी को आधे घंटे से मना रहा हूँ, एक क्लिप बना देता हूँ, डाल दूंगा वो सीधी क्लिप डाल दूंगा ऐसे। हाँ तुम लोग भी देखो मम्मी कितना ज्यादा नाराज है। मम्मी अरे यार मम्मी क्या हो गया यार, बस मैं ये बोलूंगा अपने बेटे के वो फेथ रख, मम्मी विश्वास रख, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा ही होगा, बस समय समय की बात है। ठीक है भाई, इतना सब लोग तुझे जानता था, इतना हर लोग इतना लोग मिलने आता था, हर बच्चे चिल्लाते रहते थे उनसे। यार अभी ना तुम लोग, मैं बता रहा हूँ कमेंट्स में मैं ये क्लिप ना ऐसे डाल दूंगा, और मैं सही बता रहा हूँ तुम लोग कमेंट्स में मम्मी को समझाओ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम कुछ महीने के ब्रेक पे हैं और हम जो स्टैंड अप का सोच रहे हैं उसको मेन करेंगे और व्लॉगिंग तो चलती रहेगी यार। कल को हम दोबारा कभी भी मन करें तो हफ्ते से अल्टरनेट डे पे आ जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी कुछ टाइम ब्रेक पे हूँ और मेन कॉमेडी को ऊपर लेके आना है यार। मेन ऊपर जो कॉमेडियन कीड़ा है उसको मैं समझ गया हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त है, मैंने जस्ट वीडियो अपलोड करी, मम्मी का एकदम दिमाग खराब ही हो रहा है, तो समझाओ थोड़ा। हाँ मम्मी खुश रहे यार, खुश रहे, मैं हूँ तब चैनल है, मैंने खड़ा किया है सब, और कितने चैनल ऐसे खड़ा कर देंगे यार, मेरे अंदर बात थी तब लोग पसंद करते हैं, चाहे व्लॉगिंग हो चाहे कॉमेडी क्यों ना हो नॉर्मल। ठीक है चलो। हाँ मैं जानता हूँ, ये जो क्लिप है ना ये मैंने उसी दिन बनाई थी जब मैंने अपनी यूट्यूब किट वाली वीडियो डाली थी ना, ये सेम डे मैंने वीडियो अपलोड करी वो, और मतलब पूरा धमाका हो गया था यूट्यूब पे, जितने लोग अपने को जानते हो उनमें मतलब पूरी बात फैल गई और मम्मी को भी पता चला, तो मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, तो मैंने ये रिकॉर्ड करके ना रख लिया था। बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं सोचा था उस वक्त की ना सेम डे डाल दूँ, लेकिन मैंने नहीं यार थोड़ा ब्रेक बोल ही दिया है तो अच्छे से ब्रेक लेते, तो ब्रेक अपना ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तुम ये समझ लो ये क्लिप मैंने डाल दिया। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा मतलब व्लॉग भी मैंने पूरा शूट कर लिया है, पहला मैंने समझ लो ये मैंने एक बोनस सी क्लिप दी तुम्हें कि हाँ यार मतलब तुम लोग भी देखो कि मेरे मम्मी के क्या रिएक्शन थे। पापा के तो मतलब तुम जानते हो लगभग सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती पापा को, ठीक है जो करना कर, पापा भी काफ़ी समझाते थे ऐसी बात नहीं, लेकिन मम्मी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही मतलब मेन था, ठीक है, क्योंकि मम्मी बहुत अटैच थी मेरे व्लॉगिंग वाले फील्ड से, मम्मी को भी तुम लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मतलब उस चीज़ के लिए सच में दिल से शुक्रिया। अब सबसे मेन चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोगों ने नहीं किया, और घंटे का ऑप्शन दबा लो, क्योंकि यार अब हफ्ते में दो या तीन मतलब कैडे कैडे व्लॉग तो आने हैं। जितने लोगों को नहीं पता अपना यार बर्थडे भी है 3 तारीख को, तो उसका व्लॉग भी आएगा, वो भी ज़रूर देखना। बाकी चलो एंड करता हूँ वीडियो को, और हाँ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने मतलब मास्टरबेटर को फुल याद किया है, क्योंकि देखो मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। बाकी चलो यार आज दिल से बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, लव यू, हाँ लव यू टू पब्लिक, लव यू टू पब्लिक, लव यू पब्लिक, तुम लोग मुझे लव यू टू बोलोगे, ठीक है चलो यार मैं मास्टर तब से एलोडो, तब तक के लिए गुड बाय।